मैप में होने वाली है। आपको पता होगा कल ही नया मैप आया है, तो ये सारी के सारे ट्रिक नए मैप में होने वाले हैं और सारी की सारी फ्रेश ट्रिक होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 से। इसको करने के लिए आपको ना यहाँ पर वेंटेज में, तो ये नए मैप का एक प्लेस है, आप मैप पे भी अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सामने जो रिवर दिख रहा है, इसमें अगर आप जाते हो, अगर आप यहाँ पे क्राउच करके बैठते हो, और इस रिवर के पानी का कलर ऐसा है कि कोई भी देख ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल कोई सामने से देखे, दूर से देखे, कहीं से भी आपको कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर आप इजीली बैठकर कैंप कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई कितना भी क्लोज आ जाए कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, मेरा फ्रेंड अंदर है और वो बाहर से बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। और अब मैं आपको खुद भी अंदर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहले तो पूरा आना, जितना भी यहाँ पर आ पाओ पूरा आपको सेंटर में आ जाना है, और फिर आपको सिंपल यहाँ पर क्राउच करके बैठना है, और यहाँ पर आप अच्छे से हाइड हो जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऊपर से एकदम मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस तरह से आप इस रिवर के बीच में आ सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। और वाटर का कलर भी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल कोई ना तो दूर से देख पाएगा ना ही क्लोज से देख पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको ना बेस कैंप में, इसी मैप में, ये सारी की सारी आज की ट्रिक इसी मैप में होने वाली है। तो इसके लिए आपको ना बेस कैंप में, और यहाँ पर आपको हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। ये छोटा सा घर दिख रहा है, इसी के पास हमारी ट्रिक होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अंदर जाना है सिंपली, जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आपको सामने एक चेयर दिख रही होगी, आपको इसी के पीछे जाना है। तो पहले मेरा फ्रेंड यहाँ पर अंदर जा रहा है, और आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है पूरा गायब भी हो चुका है, मतलब 1% भी मेरा फ्रेंड यहाँ पर दिख नहीं रहा। और ये ट्रिक कहाँ पर है मैंने आपको मैप भी अच्छे से दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से मेरा फ्रेंड बिल्कुल भी मतलब 1% भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी आप अच्छे से हाइड हो सकती है, और यहाँ पर आपको कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। और इस ट्रिक करने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, बस चेयर के पास जाना है, चेयर के पीछे बैठना है, और फिर आपको यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाएगा। और अगर एनिमी आता भी है तो आप इस तरफ से खड़े होकर उसको इजीली किल कर सकते हो, मतलब एनिमी को यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक जल्दी पता नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ पे है, और आप उसको इजीली यहाँ पर किल भी कर सकते हो। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। और ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए भी आपको ना एडवांटेज में यहाँ पर इस ब्रिज के पास, तो इस ब्रिज के पास आने के बाद आपको पहले जाना है नीचे, मतलब ब्रिज के निचले साइड में आपको जाना है, और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको पीछे से गाड़ी से धक्का दे। और यहाँ पर आप ब्लू कार का यूज़ कर सकते हो, वो इजीली ऊपर चढ़ जाती है, बाकी आप चाहे तो किसी और गाड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बैठने के बाद आपको फिस्ट का यूज़ करना है, फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको पीछे से गाड़ी से धक्का दे। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। और जैसे वो आपको धक्का देगा आप आ जाओगे ब्रिज के नीचे इस तरह से, और यहाँ पर फिर आप खड़े भी हो सकते हो, और यहाँ से आप अच्छे से पूरा ऊपर का व्यू ले सकते हो, बंदा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और ऊपर की ओर फायर भी कर सकते हो। और ये पूरा कंफर्म नहीं है, आप एनिमी को यहाँ पर गन से मार सकते हो या नहीं, बट ग्रेनेड से इजीली उसको किल कर सकते हो। और आप चाहे तो ट्राई करके भी देख सकते हो, क्या पता आप एनिमी को मार पाओ गन से, बट मैं यहाँ पर ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमी भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई नहीं कर पाया। बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एनिमी को मार पाते हैं नहीं, बट ग्रेनेड से आप इजीली किसी को भी यहाँ पर किल कर सकते हो। और अब मेरा फ्रेंड यहाँ पर अंदर जा चुका है, और जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर कितना मस्त है व्यू दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और भी कुछ दिखाने वाला हूँ, पहले आप ये वाला अच्छे से देख लो, मेरा फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बस उसका थोड़ा सा यहाँ पे सर दिख रहा है। और जैसे भी मेरा फ्रेंड यहाँ पर जंप करेगा वो एकदम टेलीपोर्ट होकर ऊपर आ जाएगा जैसे कि मैं आया था, और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है, इस तरह से आप ऊपर भी आ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए भी आपको ना एडवांटेज में, दरअसल मैं यहीं पर उतरा था इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक्स मैंने यहीं पर डाल दी, मतलब इसी जगह पे खोज ली। और ब्रिज के ऊपर आने के बाद आपको सामने दिख रही होगी एक ट्रक, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। और ट्रक के ऊपर आपको कैसे चढ़ना है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कैसे मैं इसके ऊपर चढ़ा। तो ऊपर चढ़ने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर प्रोन करके बैठना है ट्रक के ऊपर, फिर नेट को ऑफ करना है, और नेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पे वेट करना है 999 पिंग का। और जैसे ही 999। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। पिंग हो जाए फिर आपको रन करना है, और रन करते करते 35 सेकंड के बाद आपको अपना नेट ऑन करना है, और नेट ऑन करने के बाद फिर से रन करना है। और जैसे आपका पिंग वापस आ जाएगा आप घुस जाओगे ट्रक के अंदर इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर घुस चुका हूँ। और फिर जब आप ट्रक के अंदर आ जाओ आपको यहाँ पे फिस्ट का यूज़ करना है, कभी कभी ये ट्रिक नहीं होती बट कभी कभी होती है। तो यहाँ पर क्या करना है बस फिस्ट का यूज़ करना है, और इस तरह से फिर नीचे आप गिर जाओगे ट्रक के नीचे जैसे कि मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ। और नीचे गिरने के बाद फिर से यहाँ पर फिस्ट का थोड़ा सा यूज़ करना है, इधर उधर फिस्ट चलाना है, और फिर आप इस तरह से पानी में गिर जाओगे। और यहाँ पर ये तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा बट आपके फ्रेंड को यहाँ पर अच्छे से दिखेगा,
आप सीधा ब्रिज के ऊपर से टेलीपोर्ट होके नीचे आ जाओगे। ये आपको तो उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट जो भी आपका फ्रेंड होगा वो पूरा यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर, और ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए बाबका ना एडवांटेज में। और आज का क्वेश्चन ये है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आज के वीडियो में कितनी वेंटेज की ट्रिक्स थी, मतलब वेंटेज प्लेस पे मैंने कितनी ट्रिक्स डाली है। तो जो भी सबसे पहले इसका आंसर सही देगा, कमेंट में बोलेगा इसका आंसर, उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। तो अब चलते हैं ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर आपको ट्रक के ऊपर से जाना है, फिर यहाँ पर नेट को ऑफ करना है, और नेट को ऑफ करने के बाद फिर से यहाँ पर वेट करना है 999 पिंग का। और पिंग होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर रन करना है 35 सेकंड तक, फिर 35 सेकंड होने के बाद नेट को ऑन करना है, और नेट को ऑन करने के बाद फिर से यहाँ पे रन करना है जैसे कि हमने पहले किया था। और जैसे आपका पिंग वापस आ जाएगा आप घुस जाओगे ट्रक के अंदर। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। और यहाँ पर इस ट्रिक में खास बात यह है, यहाँ पर आपको हर कोई देख पाएगा, मतलब अगर कोई भी यहाँ पर एनिमी आएगा, कोई भी आएगा, हर कोई आपको यहाँ पर अंदर देख पाएगा। आप यहाँ पे अच्छे से बैठ सकते हो, और बाहर से आपको कोई भी किल नहीं कर सकता, मतलब आप यहाँ पे एनिमीज को चिढ़ा सकते हो अंदर बैठ के। कितना यहाँ पे फायर करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कोई भी किल नहीं कर पाएगा, चाहे वो ग्रेनेड फेंके या कुछ भी, कोई भी आपको किल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप मेरे फ्रेंड की व्यू से भी अच्छे से देख सकते हो कितना मस्त व्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ पर ट्रक के पीछे जो एक इनविजिबल वॉल है जिसकी मदद से यहाँ पर कोई भी आपको किल नहीं कर पाएगा, बट आप भी किसी को किल नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ट्राई किया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, गेम से लात मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की ओर, और ट्रिक नंबर 6 को करने के लिए आपको यहाँ पर बिल्लू बिल्ला में, मुझे नहीं पता अच्छे से इसको क्या बोलते हैं, आप मैप पे अच्छे से देख ही सकते हो। तो यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं, और आपको सामने जो लकड़ी के दीवार दिख रहे हैं छोटे छोटे से, आप इनको फोड़ सकते हो, मतलब इनको किल कर सकते हो। मतलब अगर कभी भी इसके पीछे एनिमी बैठा है ना, आप इस तरीके से मत सोचना कि एनिमी ने कवर लिया है, आपको सिंपली दीवार तोड़ देना है और उसके बाद सुसरे का खोपड़ी फोड़ देना है। और यहाँ पर आप गन से चाहो तो गन से फोड़ सकते हो, फिस्ट से फोड़ सकते हो, किसी भी चीज़ से फोड़ सकते हो। और यहाँ पर इस जगह में जितने भी ये वॉल है ना, मतलब ये लकड़ी के वॉल, इन सभी को आप तोड़ सकते हो। अभी हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं इसको नाइफ से फोड़ने का, और आप अच्छे से यहाँ पर देख ही सकते हो इसे भी फोड़ गया। और अब मैं यहाँ पर फिस्ट चला रहा हूँ, और फिस्ट से भी आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर फिस्ट से भी ये टूट चुका है, मतलब आप किसी भी चीज़ से इस वॉल को ईजिली तोड़ सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 7 की ओर, और ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको आना है वेंटेज में इस ब्रिज के पास। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक ग्लोवाल की ज़रूरत पड़ेगी, पहले आपको इस साइड में आ जाना है, फिर यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके से एक ग्लोवाल सेट करना है, और जितना आपसे हो पाए ग्लोवाल को उतना नीचे रखना है, नहीं तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। ग्लोवाल को सेट करने के बाद आपको आना है ब्रिज के ऊपर, फिर आप इस तरीके से इस खंभे के ऊपर जा सकते हो ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद अभी आपको चढ़ना है ग्लोवाल के ऊपर, और ऊपर आने के बाद आपको सिंपली एक जंप करना है, फिर आप आ जाओगे ब्रिज के ऊपर। और ऊपर आने के बाद आपको जाना है बिल्कुल सेंटर में, सामने जो आपको दिख रहा है इसी वाले आपको खंभे के ऊपर जाना है, फिर बिल्कुल सेंटर में बैठना है। सेंटर में बैठने से ये होगा कि आपको ना तो कोई पीछे से मार पाएगा, ना ही कोई सामने से मार पाएगा। और आज का क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आज की वीडियो में कितनी ऐसी ट्रिक्स थी जो कि मैंने वेंटेज प्लेस पे दिखाई। जो भी इसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा, बट आपको सही आंसर देना है और सबसे पहले देना है। तो यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो में।